उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मारचुला के पास एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। 4 घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। वही इस हादसे को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जानकारी साझा की। क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें इनकी डेथ हुई है, इनको 4 लाख इनके परिवार को देने की घोषणा हुई और जो घायल हैं इनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और आयर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। मौके पे हमारी SDRF की टीम है, SDM प्रशासन है, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे भी वर्तमान में चल रहा है और रामनगर में जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे जो घायल लोग हैं उनका भी उपचार है।